हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो ये हमारा मॉर्निंग का टाइम है और हम आए हैं नहा के। और ठंड में नहाना बहुत बड़ा टास्क होता है, तो बस यहाँ पे हम वाइपर से पानी साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि बाथरूम में नहाना धोना होता है तो पानी बाहर आ जाता है और फिर वही फिसलने का डर होता है। तो मैंने कहा पानी साफ़ कर देती हूँ, और हमने किया आज हेयर वॉश। और हेयर वॉश करते हैं तो धूप वूप तो है नहीं जो धूप में सुखा लो, तो यही मैं टॉवल से ही सुखाऊंगी, क्योंकि पानी निचुड़ता रहता है तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो इतना है कि अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ हम आ गए हैं अंदर और हम हो रहे हैं थोड़े। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो हम नहा धो के हो गए हैं फ्रेश, और हमारे बाबू का बन रहा है ओट्स। भैया, हम बाबू को रोज़ ओट्स खिलाते हैं क्योंकि ओट्स होते हैं हेल्दी। तो आप लोगों के भी अगर बच्चे छोटे छोटे घर में हैं तो ओट्स खिलाया करिए, ओट्स अच्छे होते हैं। मैंने भी अभी कुछ 2-3 महीने से स्टार्ट करे हैं और अच्छे हैं। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ज़रा सी देख के मन भर जाइएगा। तो यहाँ बन रहे हैं ओट्स और फिर बनेगी हमारी चाय। ये देखो ओट्स बन रहे हैं, जहाँ पूरे नहीं बन पाए। मैं नहाने चली गई थी तो मैंने कहा नहा के फिर बनाती हूँ। तो अब हमारे ओट्स बन रहे हैं, उसके बाद चाय बनेगी और फिर हमारा है नाश्ता। तो ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज क्या नाश्ता आया है। तो चलिए करते हैं काम। आज बहुत है ठंड, ये आया है नाश्ता, दिखाएंगे क्या आया हमारे। लड्डू है, तिल के लड्डू, आप भी आ जाइए खा लीजिए हमारे साथ। यम्मी यम्मी लड्डू, यम्मी यम्मी लड्डू, यम्मी यम्मी लड्डू। ये तो बहुत बढ़िया लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये तो सारे खा जाऊंगी मैं, सारे एक भी नहीं दूंगी किसी को। ये चुपचाप तो खा जाएंगे निकालने का। ओट्स पीसूंगी, देखिए इसमें पीसना पड़ता है मुझे, खाए गए। देखिए ओट्स अच्छे से पीस गए हैं, अब इसको अब बाबू को देने हैं ये। तो चलिए हम बाबू को थोड़ा सा खिलाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। गिर गई गिर गई गिर गई। तो देखिए गाइस, ये हमारा नाश्ता जो मैं आपको बता रही थी, ब्रेड पकोड़े और सब्जी और चाय। आप लोग भी आ जाइए। और यहाँ हम जा रहे थे ऊपर, क्योंकि कपड़े धोए थे तो वो सूख गए थे, और ज़्यादा शाम हो जाती है तो कपड़े ठंडे हो जाते हैं। और ये देखिए, ये हमारे प्लांट्स हैं जो बहुत अच्छे हो गए हैं बारिश की वजह से। और ये बाहर का व्यू है। तो शाम का टाइम हो गया है, 3-4, 4:30 बज रहे होंगे। तो मैं आपको दिखा रही थी, देखिए तुलसी बहुत अच्छी हो गई है बारिश की वजह से। और ये देखिए हमारे यहाँ का व्यू है, नीचे का व्यू है, बच्चे खेल रहे हैं। मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाती इसलिए नहीं दिखा पाती। तो मैं आई थी ऊपर तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। तो मैं को जाकर उतारने थे कपड़े छत में जाके। तो ये देखिए बस कपड़े उतारने आई हूँ छत में। और अच्छा लगता है कभी कभी ऊपर आके भी थोड़ा सा, मतलब इधर उधर देखना, अंदर ही कमरे में घुसे रहते हैं। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ भी ऊपर का व्यू शेयर करते हैं। तो बस यहाँ पे आए हैं कपड़े उतारने, कपड़े धो के सुखाना, उतारना, तेल लगाना, बस यही काम है हम औरतों का। फिर भी लोग मर्द लोग कहते हैं क्या काम करती हो घर में, तो उनको बताओ और ये वीडियो दिखाओ कि ये देखो कितना काम करते हैं हम लोग। तो बस अब हम जा रहे हैं नीचे। तो गाइस ये देखिए व्यू शाम का बहुत अच्छा था, और पक्षी उड़ रहे हैं आसमान। और ये है हमारे गमला, इसमें पेड़ है जो थोड़ा सा मुरझा गया है। तो अब मैंने कहा चलो चलते हैं नीचे, और हम आ गए हैं अब नीचे। अब नहाओगे तो लेट नहीं, बहुत ठंड हो जाएगी। बाबू ये घड़ी किसकी ले ली आपने? वाह। तो ये देखो ये कपड़े लिया है हम उतार के नीचे, और चिमटी लो, चिमटी से खेल लो। ओए बॉय, और कुछ भी बोल लिया करो। अच्छा बता दो बाबू कितना बड़ा।
इतना बड़ा। नमस्ते कर दो, नमस्ते। पोटी आ रही है उसको लग रहा है, इमरजेंसी केस, बाबू को पोटी आई है। वीडियो बाद में बनाएंगे। लो ये हमारे बाबू की घड़ी है, देखो घड़ी पहनता है, हमारी टूटी हुई है, जलती भी है देखो। आप ये लो, और देखिए कपड़े तैर लगाने के बाद मैंने कहा थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, कि पूरे दिन में थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है, तो यहीं हम लगा रहे हैं झाड़ू और कर रहे हैं साफ घर। देखिए सेब का जूस, तो अब हम निकालेंगे सेब का जूस, वो तो ख़राब हो जाएंगे रखे रखे, बहुत दिन से रखे हैं, तो मैंने सोचा सेब का जूस निकाल देती हूँ, काट के उसको कद्दूकस करूँगी और फिर उसको निचोड़ूंगी कपड़े में, ख़राब होने लगे। देखो देखिए गाइस जूस निकल गया है, सेब का जूस, और ये है वेस्ट ही हो गया है अंदर कपड़े के अंदर है, छोड़ के निकाला, वेस्ट ही हो गया है, इसको अब डस्टबिन में डालेंगे। तो बड़ी मेहनत से निकला है आधा गिलास जूस। ये देखो गाइस, ये हम बना रहे हैं मूली के पराठे, और इसकी ऐसे की तैसे हो गई। ऐसे मूली के पराठे आज तक किसी ने नहीं बनाए होंगे, मैं तो फर्स्ट टाइम बनाए, और देखो क्या हालत हो गई, पूरी किचन की हालत थी, देखो क्या हालत है। और ये देखो ये पराठे बने हैं स्पेशल, मूली के पराठे फट गए सारे, पता नहीं मैंने तो पूरा अच्छे से निचोड़ दिया था इसका पानी, फिर भी देखो कैसे फट गए सारे, ये चिपक गए मुझे लग रहा है, ये देख क्या हाल। तो इसको उठाऊंगी अभी खासे से और फट जाएगा, इसलिए आराम से उठाऊंगी इसे। तो गाइस सब काम ख़त्म करने के बाद हम आ गए हैं धनिया, ये धनिया मैंने सुखाया था धूप में, और ये मुझे पीसना था, क्योंकि मैं धनिया बाज़ार से नहीं खरीदती हूँ, घर में ही पीसती हूँ, तो ये धनिया हम घर में पीस रहे हैं, और घर का धनिया ही मुझे अच्छा लगता है, मतलब मैं खट्टा ले लेती हूँ और धूप में सुखा के फिर इसको घर में ही पीस लेती हूँ, वो अच्छा रहता है, क्योंकि घर के मसाले बेस्ट हैं, बाहर कितनी मिलावट होती है क्या होती है हम लोग भी नहीं जानते, तो जो जो चीज़ें मैं घर में पीस सकती हूँ वो मैं पीस लेती हूँ, तो बस यही हमारा धनिया पीस रहा है, और कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से हो जाता है। और ये धनिया मैं थोड़ा ज़्यादा ही स्टोर करके रख लेती हूँ, कि ये बार बार ना पीसना पड़े, तो ये देखिए डब्बे में मैंने अच्छे से रख लिया है, और थोड़ा ज़्यादा ही पीस के रख लूँगी, तो बस यही हमारा धनिया की पिसाई हो रही है, और ये देखिए ये पीस गया है धनिया, थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है, कोई नहीं पर घर का है साफ सुथरा, तो घर में ही पीस लेते हैं जो जो चीज़ पीस सकते हैं, नमक धनिया, तो ये हमारा पीस गया है। तो यहाँ पे धनिया पीसने के बाद हो गया था थोड़ा सा गंदा, तो मैंने झाड़ू तो लगा दिया था, और शाम का टाइम था, तो मैंने कहा चलो कपड़े से ही, गीले कपड़े से ही साफ कर। तो गाइस हमारा धनिया भी अच्छे से पीस गया, और खाना तो हमारा बन ही गया था, और ये देखिए साफ सफाई अच्छे से हो गई, रोटी सब्जी गोभी आलू की और रोटी पराठे मैंने आपको दिखाए, और देखो क्या हालत हो गई काम करते करते। तो चलिए गाइस अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, और प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा आगे बढ़ सकूँ, थोड़ा ग्रो कर सकूँ, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता, तो थोड़ा सा दुख होता है, मेहनत कर रहे हैं बस अपनी फैमिली के लिए, कि अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, आपको तो पता है सिचुएशन कैसी है, मतलब स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, और मैं क्या बताऊं, मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं बोला जाता, नहीं दिखाया जाता,
पर देखते हैं क्या होता है। सोचा था यूट्यूब पे वीडियो बना के थोड़ी हेल्प हो जाएगी, बहुत आसान है ये सब करना, बट बहुत मुश्किल है ग्रो करना, बहुत कठिन है वीडियो बनाना फिर उसको ग्रो करना। एक एक साल कितने कितने साल मेहनत करो तब जाके मिलता ही सफलता, नहीं भी मिलती मेरा तो वॉच टाइम ही नहीं पूरा हो रहा, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं। तो चलिए गाइस हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बाय।